हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि हेडिंग टैग कैसे बनाया जाता है एचटीएमएल में। तो चलिए चलते हैं। हमने एक अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लिया जो कि सबलाइम टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा। सेव करने पर मैं अपना इसका नाम देता हूँ हेडिंग डॉट एचटीएमएल। आप लोगों को ये डॉट एचटीएमएल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका एक्सटेंशन नेम है। तो ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। तो अभी मैं इसको लिखता हूँ एचटीएमएल। एचटीएमएल लिखते ही यहाँ पर पूरा सिंटेक्स आ गया। सिंटेक्स आने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, दिस हेडिंग वन। यहाँ पर लिखता है हेडिंग वन आ गया। अभी यहाँ पे हेडिंग टैग क्या काम करता है? तो बेसिकली हेडिंग टैग क्या करता है कि जो किसी कंटेंट का जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो आप लोगों को बोल्ड में दिखता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग और H4, H5 एंड देन H6 का पेयर टैग यूज़ करेंगे। इसी के अंदर हम लोग अपना हेडिंग टैग को यूज़ करके और दिखाएंगे कंटेंट को कैसा आता है। चलिए हम यूज़ करते हैं H1 टैग। मैंने यहाँ पर लिख दिया H1। तो H1 लिखते मेरा पेयर टैग आ गया, H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया। तो हम जो भी कंटेंट लिखेंगे H1 टैग और H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच के ही लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग वन। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद ओपनिंग ब्राउज़र किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे दिस इज हेडिंग। अब टाइटल में क्या लिखा था? मैंने हेडिंग लिखा था, तो यहाँ पे शो कर रहा है। ये यहाँ पे लिखा है दिस इज हेडिंग वन। अभी मैं दिखाता हूँ हेडिंग टू का क्या काम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग टू। यहाँ पे इंटर किया, लिखता हूँ दिस इज हेडिंग टू। ठीक, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे ओपन ब्राउज़र। अभी आप देख सकते हैं जो H1 टैग है वो इस H2 टैग से थोड़ा सा बड़ा है, बिग है। ये ऊपर किस साइड में है, ये से टिल्ट होते जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। अभी मैं H2, H3, H5, H6 तो मैं कर देता हूँ अभी। तो अभी देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं H3 टैग यूज़ करता हूँ, H3 टैग। ठीक, मैं पेस्ट कर यहाँ पे, फिर H4 टैग, H4, H5, H5 भी हो गया, H6, H6 से हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देखेंगे ब्राउज़र पे क्या शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे ये दोस्त जो हेडिंग वन है वो बड़ा है, हेडिंग टू जो है H1 से छोटा है, H2 जो है H3 से छोटा है। ठीक है, इस तरह जो है छोटा होता चला जा रहा है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि हेडिंग टैग कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो कैसे बोल्ड किया जाएगा? तो बोल्ड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे, एक तो बी टैग का यूज़ करेंगे, जो कि होगा। अभी मैं इसको यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इसमें डिफरेंस आप लोग पता लगे। मैं लिख देता हूँ बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड हो गया। ठीक, इसका ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होगा। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाओ कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर लिख दिया, सेव किया। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये किस तरह आ रहा है, इस तरह का बोल्ड। ठीक, अभी मैं लिखता हूँ, अभी एक तरीका ये हो गया। अभी एक तरीका और है इसको बोल्ड करने के लिए, जो कि है स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कर देते हैं कंप्यूटर लिख देते हैं, यूट्यूब लिखते हैं, यूट्यूब लिखने के बाद कंट्रोल एस करेंगे। ध्यान रहे आप लोगों को जब भी आप कोड लिखें, आपको आउटपुट देखना हो तो उससे पहले आप लोगों को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद आउटपुट देखें, यहाँ पे आ गया। अभी इसके बगल में आ रहा, तो बगल में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी ये इन लाइन काम कर रहा है। अभी ये देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग टैग भी काम कर रहा है और बोल्ड टैग भी काम कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर मैं अगर BR टैग लगा देता हूँ, ब्रेक करने लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये BR टैग सिंगल यूज होता है, ये पेयर में यूज नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ लाइन को कंटेंट नहीं लेते हैं अपने अंदर, ये सिर्फ ब्रेक करने का काम करते हैं। अभी मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद देख सकते हैं आप सब, जो कि बोल्ड ए भी है और बोल्ड ए भी है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टैग की तरफ, जो कि होगा देखो इटैलिक होगा। इटैलिक कैसे करेंगे टेक्स्ट को, तो इसके लिए एंगुलर ब्रैकेट में हम लोग आई लिखेंगे, आई लिखने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने वाले लिखते हैं राम आशीष। मैं लिख दिया, यहाँ पे वाओ कंप्यूटर लिख देता हूँ मैं, बेसिकली वाओ कंप्यूटर मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस किया, अभी क्या हो जाएंगे बोल्ड हो जाएगा ये, ठीक। ये टेक्स्ट देख सकते हैं आप, बोल्ड हो गया ये, सॉरी ये बोल्ड नहीं इटैलिक हो गया, देख सकते हैं ये इटैलिक हो गया, ठीक। चलिए हम चलते हैं अगले टैग की तरफ, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, ये स्ट्रांग और बोल्ड ये दोनों एक ही काम करते हैं इटैलिक। एंड देन अभी मैं यहाँ पे बीआर टैग यूज़ करता हूँ ताकि लाइन के नीचे आए। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग यू अंडरलाइन के लिए, टेक्स्ट के लिए अगर आप लाइन देना है तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट में आप लोग यू लिखना पड़ेगा, जो कि होगा ये अंडरलाइन के लिए टैग होगा। एंटर करेंगे, इसका पेयर टैग होता है। अभी हम लोग लिखते हैं वाओ कंप्यूटर हो गया, कंट्रोल एस करते हैं, करने के बाद यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टैग की तरफ, जो कि होगा मार्क क्लिक करने के लिए। किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप वहाँ पे इस टैग का यूज़ करके आप उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि होगा मार्क टैग। यहाँ पे लिखेंगे मार्क टैग, मार्क टैग लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ बड़ा सा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज अ वेबसाइट, दिस इज वेबसाइट मैंने लिख दिया। अभी मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ वेबसाइट को क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है ये। तो किसी टेक्स्ट को, किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर लिखा है या फिर ये लिखा वाव लिखा है, मैं इसको हाईलाइट करना है तो आप एक इस तरीके से कर सकते हैं। तो वाव कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो आप इसके अंदर जो है क्या यूज़ कर लेंगे, मार्क यूज़ कर लेंगे, मार्क लिख दिए। और जिसको हाईलाइट करना है आप उसको मार्क टैग के अंदर ही लिखे रखें। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया मार्क टैग, ये हो गया। अभी मैं इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो वाव लिखा है, ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे इसके जो कंटेंट है मैं इसको क्या कर दिया, मार्क के बीच में लिख दिया, तो इसको क्या कर दिया, ये हाईलाइट कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, इसको इटैलिक कर रहा है, क्योंकि इटैलिक जो है इटैलिक के अंदर मार्क यूज़ किए हैं, ना कि मार्क के अंदर इटैलिक है, इटैलिक के अंदर ही मार्क है। तो पहले टेक्स्ट को क्या करेगा, इटैलिक करेगा, फिर इसको मार्क करेगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं डेल, किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को अगर आपको क्रॉस करना है तो आप डेल टैग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि होगा कुछ इस तरह का। मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करता हूँ, बी आर टैग यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे डेल लिख दिया, डेल इसके लिए मार्क के लिए डेल करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी वर्ड को मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली टेक्स्ट को क्या कर दिया, ये क्रॉस कर दिया ये, ठीक। आप लोग समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है ये सब। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, आप लोग समझ गए होंगे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और फिर उसके बाद मार्क डेल कैसे काम करते हैं। एक टैग आप लोग को बताता हूँ, जो कि हॉरिजॉन्टल रो के लिए, अगर आपको पार्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे कहीं पर हॉरिजॉन्टल रो दिखाना आप लोगों को, जैसे यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल रो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरे हॉरिजॉन्टल रो दिखाना है, तो आप लोग कैसे करेंगे तो मैं उसका बता देता हूँ टैग क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, एच आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप इस देखेंगे इसके नीचे जो है क्या हो गया होगा, एक हॉरिजॉन्टल रो बन गया होगा। मैं यहाँ पे इसको सेव कर दिया हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल रो आ गया है इसके नीचे, ठीक। आपको अगर इसके नीचे इसके बीच में देना है, ये यूट्यूब लिखा है फिर इसके बीच में आपको देना है अगर हॉरिजॉन्टल रो, तो आप इस तरह दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देना है, मैं यहाँ पे देता हूँ एच आर टैग, मैंने यहाँ पे एच आर टैग दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अभी मैं इसको सेव कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो कुछ नहीं है। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा
देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके बीच में क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल रो आ गया, जो कि अपने जो विड्थ लिया हुआ है ये 100% विड्थ लिया हुआ है। देख सकते हैं आप, मैं इसको कितना भी करूँ ये क्या करते, अपना जो अपनी लंबाई जो लिया है कितना ले लिया, अपना पूरा 100% ले लिया है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो या लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो, अपने हिसाब से विड्थ ले लेगा। ठीक, तो हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे अगर आगे क्या क्या होगा, इमेज टैग कैसे यूज करते हैं, तो और सेंटर टैग, आर्टिकल टैग, पैराग्राफ टैग कैसे यूज किया जाएंगे, तो सब मैं आप लोगों को इस फर्दर वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।